सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी। क्लास सिक्स की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग एक का 14th चैप्टर, जिसका नाम है लोकगीत। तो लोकगीत का अर्थ मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जनता का संगीत या जनता के की जो भावनाएं होती हैं, लोगों के जो खुद के गीत होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको लोकगीतों के विषय में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और हमने यहाँ पर लोकगीत के बारे में बताया था कि इसमें लचीलापन होता है और इसको याद करने के लिए बहुत सारे एक तरह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स नहीं एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, बहुत सारे प्रयास नहीं करने पड़ते, बहुत कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बल्कि ये बहुत लचीला होता है। इसको हम सुनकर ही इसको हम याद कर लेते हैं और इसकी रचना करने वाले भी अक्सर गांव के ही लोग होते हैं और एक तरह से जो आम जनता ही होती है। और इनको खास तौर पर कुछ त्योहारों पर, विशेष त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर, शादी विवाह के समय या व्रत उपवास या त्योहारों के समय इनको गाया जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है लोकगीत, ये आपको पूरे भारत की सैर कराने वाला है कि किस तरह से हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं और किस तरह से गाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। और आप लोगों को होमवर्क भी मैंने दिया था कि आप एक पूरी लिस्ट बनाकर लाएंगे कि अलग अलग राज्य में, उत्तराखंड में कौन सा लोकगीत के, उत्तराखंड में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, महाराष्ट्र में कौन से गाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आपके लोकगीत गाए जाते हैं। तो ये सारे लिस्ट मैंने आप लोगों को बनाने के लिए कहा था, आपने बनाई भी होगी। तो एक बार चैप्टर को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं और इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बताया है कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। और शास्त्रीय संगीत के विषय में भी बताया था कि शास्त्रीय संगीत में बहुत कठिन साधना की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी हम उसको एक तरह से गा पाते हैं, तभी हम उसको समझ पाते हैं और उसमें हम पारंगत हो पाते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी और ख़ास तौर पर आदिवासियों के लोकगीतों के बारे में यहाँ पर जो बताया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी की कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो आज भी जीवन के नियमों से नहीं बंधी हुई है और उनमें बिल्कुल वही एक तरह से उनकी सभ्यता संस्कृति चल रही है शुरुआत से ही, कि वो बिल्कुल उसी तरह से गाते हैं, उसी तरह से ग्रुप्स में रहते हैं, उसी तरह से वो सारी रीति रिवाज, सारे रिचुअल्स अपने अपनाते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो ये गीत होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि बड़े बड़े दलों के साथ गाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप्स में गाए जाते हैं, महिलाएं और पुरुष अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं और फिर इसमें क्या होता है कि एक पंक्ति जब गाई जाती है फिर दूसरे को रिपीट की जाती है। और यहाँ पर मैंने उत्तराखंड के बहुत सारे लोकगीतों को आपको बताया था, जैसे गढ़वाल के काफ़ी सारे लोकगीत हैं, कुमाऊं के भी काफ़ी सारे लोकगीत हैं। और उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उनको अलग से नाम दे दिया जाता है पहाड़ी, अलग से नाम दे दिया जाता है पहाड़ी। और फिर यहाँ पर वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है, ये चीज़ हमने सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़ा था कि वास्तविक लोकगीत जो है वो गांवों और देहातों में है। इनमें देखिए उत्तराखंड के जो लोकगीत है वो इस तरह से हैं, देखिए चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, और ये सब उत्तराखंड से भी हैं और साथ ही मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं।
तो उत्तराखंड में भी इस तरह के कुछ गीत गाए जाते हैं। और पंजाब के लोकगीतों के विषय में बताया था, महिया और हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधित गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में आपके ढोला मारू गीत गाए जाते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के जो गीत हमारे उत्तराखंड में गाए जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन देहाती गीतों की आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इन देहाती गीतों के रचयिता, इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी कि वो यहाँ पर कोरी कल्पनाएं नहीं करते, जो इन गीतों को रचते हैं वो इन केवल कोरी कल्पनाएं नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो रोजमर्रा के जीवन से इन गीतों को लेते हैं। यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो बातें हैं, उनको वो जीवन से जोड़ते हैं। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे जो गीत हैं वो किस तरह से गाए जाते हैं, किस तरह से कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो वो बिल्कुल जो कथाएं यहाँ की प्रचलित हैं उन्हीं कथाओं पर वो गीत बने हैं। कि कुछ गीत जो है वो अपनी बेटी जब मायके से विदा हो जाती है, या पति पत्नी जो है आपस में बिछड़ते हैं, तो उनका उनसे संबंधित गीत है। कुछ गीत जो है वो सावन के महीने में जब छोटी छोटी जब यहाँ पर चैत्र का जो आपका महीना स्टार्ट होता है, तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो है फूल लेकर आती हैं और वो लोगों की दहली पर जाकर सजाती हैं सारे फूल, तो उसके लिए अलग से गीत गाए जाते हैं। बहुत अलग अलग तरह के गीत अलग अलग ओकेजन्स में गाए जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये सारे गीत कब गाए जाते हैं, कि कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ कथाएं, कुछ ना कुछ रियलिटी इनसे जुड़ी होती है। ये कोरी कल्पना नहीं होते कि केवल सोचा और अपनी कल्पनाओं में गीत बनाया और लिखा और गा दिया। ये जीवन के सत्य को बताते हैं, जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि ये सीधे सीधे हमारे मर्म को छू देते हैं, यानी कि हमारे मन को छूने वाले होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। यानी कि इनके राग भी कुछ इसी तरह के सामान्य इनके राग हैं। करहवा, बिरहा, धोबिया देहात में बहुत गाए जाते हैं। देहात के जो गांव हैं वहां पर देखिए करहवा, बिरहा, धोबिया ये गीत बहुत गाए जाते हैं और एक बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। बहुत बड़ी भीड़ को ये आकर्षित करते हैं, यानी कि एक तरह से बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा मनमोहक होते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं लोगों को। तो इस तरह से देखिए इनकी भाषा के संबंध में भी कहा जा चुका है, यानी कि ये जो लोकगीत है इनकी भाषा के संबंध में भी कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि उत्तराखंड की ही अगर बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो यहाँ पर हम गढ़वाल और कुमाऊं, दो हमारे यहाँ पर मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल में भी आप देखेंगे थोड़ी 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 जगह के बाद जो है बोलने की एक जो लहजा है, तरीका है, बोली है गढ़वाली, लेकिन बोलने का जो लहजा है, तरीका है, वो थोड़ा 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 जगह पर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और दूसरा कुमाऊनी, कुमाऊनी जो बोली है उसमें भी आप देखेंगे थोड़ा 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 जगह के आधार पर जो बोलने की टोन है, तरीका है, उसमें चेंज आता है। तो यही इनकी भाषा के संबंध में कहा गया है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में बोले जाते हैं। यानी कि जिस तरह का जो गांव है, जैसा गांव है, जैसी वहां की भाषा है, जैसी वहां की बोली है, जैसी वहां की एक तरह से जैसा वहां का रहन सहन है, उस तरीके से उसको गाया जाता है, उस तरह से उसको बोला जाता है। इसी कारण ये बड़े आहल दर कर और आनंददायक होते हैं। यानी कि इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा मन को छूने वाले, यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षण होते ही हैं, जो इन गीतों के राग होते हैं बहुत ही ज्यादा आकर्षक होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, सुंदर होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है।
यानी कि इनकी समझी जा सकने वाली भाषा। अब देखिए इनकी सफलता का रीजन यह है कि जो जो यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, हम गढ़वाल से हैं, हम कुमाऊं से हैं, तो हमको अपनी बोली भाषा समझ में आती है, हम अपनी बोली भाषा समझ लेते हैं, हम अपनी बोली भाषा बोल लेते हैं, इसीलिए ये जो लोकगीत है ये जल्दी से हमें इफेक्ट करते हैं, जल्दी से हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बोली भाषा समझ में आती है, हमें अपनी बोली भाषा से लगाव है। क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर हम अपना जो प्रेम है अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति बनाकर रखेंगे इसी तरह से, तो फिर हम अपनी इन सांस्कृतिक धरोहरों को भी बचाकर रखेंगे। लोकगीत भी एक सांस्कृतिक धरोहर ही है जो पुराने लोगों ने काफी समय पहले से जो चला आ रहा है, और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों को गा रहे हैं, भले ही उनमें थोड़ा बहुत चीजें चेंज हो रही है, लेकिन उनका जो एक मेन महत्व है, मुख्य जो महत्व है, वो कम नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनका एक मुख्य एक तरह से महत्व है। देखिए अब यहाँ पर भोजपुरी भाषा के बारे में कहा है कि भोजपुरी में करीब 30-40 बरसों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। भोजपुरी जो भाषा है उसमें 30-40 वर्ष पहले ही विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया, विदेशिया जो है वहाँ का लोकगीत है और उसका प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। गाने वालों के अनेक जो समूह होते हैं वो इन विदेशियों को गाते हुए पूरे पूरे देहात में घूमते रहते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे लोकप्रिय गाने नहीं है, यानी कि खास तौर पर बिहार में विदेशिया से बदलकर कोई भी दूसरा गाना जो है वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा एक तरह से लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो इन गीतों में अधिकतर जो रसिक प्रिय होते हैं और प्रियाओं की बात रहती है, रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है खास तौर पर इन गीतों में। तो देखिए परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जो परदेसी प्रेमी है उससे विरह यानी कि उससे बिछड़ने का जो दुख है, जो प्रेम है उसके प्रति, वो इन गीतों में करुणा और विरह के रूप में दिखाई देता है, दुख के रूप में दिखाई देता है, करुणा के रूप में दिखाई देता है, विरह यानी कि संवेदना, जो बिछड़न की संवेदना है उसके रूप में दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ आगे कहा है जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप पूरे देश के जितने भी लोकगीत हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे, तो आज का आपका होमवर्क है कि आप उत्तराखंड में जितने भी लोकगीत गाए जाते हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में जितने भी लोकगीत गाए जाते हैं उनकी अलग अलग लिस्ट बनाएंगे दोनों मंडलों की, यानी कि उत्तराखंड में कौन कौन से लोकगीत प्रचलित हैं उनको आप लिखेंगे, और उनके बारे में पढ़कर भी आएंगे कि कौन सा लोकगीत क्या बताता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर विदेशिया जो लोकगीत है ये क्या करता है, ये परदेसी प्रेमी और इससे करुणा और विरह का रस जो है वो बरसाता है। जो अधिक देखिए जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो जंगली जातियां होती हैं जैसे आदि वासी जो लोग होते हैं उनके भी दल गीत होते हैं, दल गीत यानी कि समूह गीत भी उन्हें कहते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं यानी कि बिछड़न आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाना गाते हैं, यानी कि ग्रुप्स बनते हैं पुरुषों के अलग स्त्रियों के अलग, जिसमें पुरुष जो है एक तरफ अपने एक तरफ प्रश्न करते हैं, एक तरफ अपने गीत को गाते हैं, और दूसरी तरफ स्त्रियां जो है उनका जवाब देती है, फिर स्त्रियां प्रश्न के रूप में गीत को गाती हैं, फिर पुरुष उसका जवाब देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर
जो दल गीत जंगली जातियों में गाए जाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। ये गीत इतने सुंदर होते हैं कि जब महिलाएं और पुरुष आपस में मिलकर इन गीतों को गाते हैं तो दिशाएं गूंज उठती है, बहुत ही सुंदर एक ध्वनि चारों तरफ गूंजती है। पर इधर कुछ काल से, काल अर्थात समय, पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, यानी कि बहुत कम देखने को अब ये दलीय गायन मिलते हैं। यानी कि अब इस तरह के ग्रुप जो सॉन्ग होते हैं, जब पुरुष और महिलाएं साथ में इस तरह के गीतों को गाते हैं, इस तरह की एक तरह से कहानियों को गढ़ते हैं, ये कहानियों के रूप में ही होते हैं ये गीत, उनको गीत के रूप में, एक कथा के रूप में, उसको गीत के रूप में बना दिया जाता है। एक दूसरे प्रकार के, अब देखिए इस तरह के गायन का ह्रास हुआ है, अब आगे बताते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आल्हा के ये आपके बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि, जो इनकी शुरुआत हुई थी वो चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। यानी कि इसका आरंभ जो है वो चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। और पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने तरीके से चेंज किया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कथाएं होती हैं जिनको हम इस तरह से लोक गीतों की तरह इनको हम प्रयोग करते हैं, और कई बार ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं अलग अलग भाव के आधार पर। तो जैसे कि यहाँ पर कहा है कि जो एक प्रसिद्ध लोकप्रिय गाने हैं जो आल्हा, तो ये क्या होते हैं, ज्यादातर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। जो आल्हे होते हैं वो बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। और शुरुआत कैसे हुई थी इनकी, शुरुआत हुई थी जो चंदेल राजा थे उनके जो राज कवि थे, चंदेल राजा जो थे उनके राज कवि जो थे जगनिक से इनका आरंभ माना जाता है। उन्होंने क्या किया था कि जो आल्हा उदल थे उनकी वीरता को अपने महाकाव्य में बखान किया था, और इस पर जो अनेक छंद बने थे उन छंदों की को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने समय समय पर गीतों के रूप में उतारा। और ये जो गीत थे हमारे गाँव में आज भी बड़े प्रेम से गाए जाते हैं, हमारे देहात के गाँव में, हमारे बुंदेलखंड के गाँव में। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं, जो इस गानों को गाते हैं वो गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं, अपने गले में ढोलक डाल लेते हैं और गांव-गांव ढोलक के साथ इन गीतों को गाते रहते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट और रस्सियों, आपने कभी अगर सर्कस देखा होगा, अगर आपने कहीं पर इस तरह के खेल तमाशे देखे होंगे तो आपने देखा होगा जो नट नटनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो अलग अलग तरह से बात करके आप लोगों को अलग अलग तरह के खेल अक्सर सड़क के किनारे दिखाती है, जिसमें सबसे मेन मुख्य जो खेल होता है वो होता है कि आपका इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से क्या होती है, रस्सी लगी हुई होती है, और इस तरह से दोनों रस्सियों पर जो है यहाँ पर एक धागा बंधा हुआ होता है, तो इस धागे पर उन्हें चलना होता है बैलेंस बनाकर, केवल इतने पतले धागे पर उन्हें चलना पड़ता है बैलेंस बनाकर। तो आपने देखा होगा वो कैसे चलते हैं, वो एक डंडा हाथ में लेते हैं और उसी डंडे से वो अपना बैलेंस बनाते हैं, इस तरह से वो पैर रखते हैं, और अगर पैर रखते ही वो इस तरफ को डाउन होते हैं तो वो अपना डंडा इस तरह से झुका देते हैं, फिर वो इस तरफ को डाउन होते हैं तो अपना डंडा इस तरह से झुका देते हैं, तो वो एक पतली सी रस्सी पर आसानी से चल लेते हैं। तो उन्हें यहाँ पर कहा है कि जो यहाँ पर एक तरह से जो गीत है उनको क्या कहते हैं,
ढोलक की तान पर ये गीत गाए जाते हैं और इनकी सीमा पर एक तरह से गीतों का स्थान भी होता है, जिन्हें नट रस्सियों पर चलते हुए, जब जो नट होते हैं वो रस्सी पर जब चलते हैं तो वो उस समय पर इस गीत को गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक, देखिए यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है ये एक निबंध विधा में लिखा हुआ है। निबंध विधा में लिखने का अर्थ है कि किसी भी टॉपिक को आप पूरे विस्तार पूर्वक उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गीत है, लोक गीत है, उनके विषय में बताया है। तो यहाँ पर कहा है कि इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट अपनी रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट जो है जब रस्सी पर चलते हैं तो वो खेल करते हैं इस तरह से और वो गीतों को गाते रहते हैं। अधिकतर गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं, यानी कि इनके जो है अपने बोल होते हैं, ये अपने बोल खुद से बना लेते हैं कि क्या बोलना है। अनंत संख्या अपने देश की स्त्रियों के गीतों की है। ज्यादातर जो संख्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में कहे संख्या, तो जो देश की महिलाएं अपने जो गीत हैं उनको गाती हैं, उनकी बहुत ज्यादा संख्या है। ये तो गीत भी लोक गीत ही है, तो ये गीत भी लोक गीत है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। देखिए जो महिलाओं के द्वारा, हमने यहाँ पर कहा कि अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। स्त्रियों के गीत जो स्त्रियों ने खुद बनाए हैं, स्त्रियाँ खुद उनको बनाती हैं, खुद उनको अपने मन से चेंज करती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की बोली भाषा में वो गाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि है तो ये भी गीत ही, ये गीत भी लोक गीत ही, पर अधिकतर इन लोक गीतों को औरतें गाती हैं। इन्हें सृजति भी अधिकतर वही है। सृजति यानी कि इनका सृजन करना, इनका निर्माण करना, इनका इनकी रचना करना, तो इन्हें सृजति भी अधिकतर वही है, इनका सृजन भी अधिकतर वही करती है। इनको लिखती भी वही है, बनाती भी वही है, लय भी वही सेट करती है, ताल भी वही सेट करती है। इस तरह से वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की कमी नहीं है। जो पुरुष गायक होते हैं या पुरुष कंपोजर होते हैं या पुरुष लेखक होते हैं, उनकी भी कमी नहीं है आज हमारे संसार में। आपने यहाँ पर देखिए इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। जो ये गीत होते हैं इनका संबंध विशेषतः स्त्रियों से होता है। इस दृष्टि में से भारत दिशा में सभी देशों से भिन्न है। अगर इस दृष्टि में देखें तो भारत दिशा में बाकी देशों से भिन्न है, अलग है, कि वो एक ट्रैक पर नहीं चलता, वो लीक से हटकर चलता है, कुछ नया कर दिखाता है। तो भारत इन सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत या मर्दों या जनगीतों की अलग अलग भिन्न नहीं है। यानी कि अगर दूसरे देशों में देखा जाए तो स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिलते जुलते ही है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, जब त्योहारों में नदियों में स्नान किया जाता है, नहाने जाते हैं उस रास्ते पर, और विवाह के मटकोड़ जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अवसर बताए गए हैं कि इन गीतों को कब कब गाया जाता है, इस तरह के गीतों को कब कब गाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब गांव में रुपाई का कार्यक्रम होता है, ग्रीष्म ऋतु में जब बरसात हो जाती है तो गांव में धान की रुपाई का कार्यक्रम चलता है, और उसमें बहुत सारी महिलाएं एक साथ खेतों में रुपाई कर रही होती है, यानी कि धान की जो पौध है उसे रोप रही होती है। और उस समय पर आपने देखा होगा कि वहां पर एक जो व्यक्ति होता है वो हुड़के की थाप पर
कुछ गीत गाता है और जिसको महिलाएं रिपीट करती हैं, महिलाएं जो है उसको गाती है। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा है कि नदियों में नहाते समय, जब व्यक्ति नदी में नहाता है या नदी में नहाने जा रहा होता है, विवाह के समय, मटकोड़ के समय, जौनार के या विभिन्न संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के रूप में, शादी विवाह में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि प्रेम युक्त गाली दी जाती है। और बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के नामकरण संस्कार के समय, बच्चे के जनेऊ संस्कार के समय, ये सारे गीत अलग अलग होते हैं और अलग अलग समय पर, अलग अलग अवसरों पर गाए जाते हैं। जो स्त्रियां गाती हैं, यानी कि जो भी स्त्री गा रही है इन अवसरों पर, कुछ आज से ही नहीं, जो स्त्री इन अवसरों पर गा रही है वो आज से ही नहीं, प्राचीन काल से वो गाती रही है। यानी कि जो स्त्रियां गा रही हैं, जिनको प्रैक्टिस है, जो इस तरह से गाती हैं, उनमें हमने कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो आज से नहीं, वे प्राचीन काल से ही इन गीतों को गाती आ रही है, प्राचीन काल से ही इन गीतों को गा रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि जो है कालिदास, उन्होंने भी अपने जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में यहाँ पर एक तरह से गीतों का हवाला दिया है। और देखिए, सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। तो देखिए, कुछ गाने यहाँ पर बताए हैं। और साथ ही यहाँ पर कहा है, वैसे तो जो बारह मासे गाते हैं, बारह मासे पुरुषों के साथ साथ नारियाँ भी गाती हैं। तो बारह मासे, और देखिए बहुत सारे ऐसे गीत हैं, ऐसे लोक गीत हैं जो कि गाए जाते हैं। एक विशिष्ट बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। जो महिलाओं के गीत होते हैं वो साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, ग्रुप्स में गाए जाते हैं और एक तरह से विशेषकर दल को बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ जब एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, ज़्यादातर में मेल नहीं होता, लेकिन जब एक ही स्वर अनेक कंठों से फूटता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यारे ये लगते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने आज अपना चैप्टर जो है वो यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें और हमने आज पढ़ ली है। तो आज जो लास्ट होमवर्क था, जिसने नहीं किया है, यानी कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं वो लिखेंगे। कल का होमवर्क था, लास्ट सेशन का होमवर्क था। आज का होमवर्क है कि आप उत्तराखंड में कितने लोकगीत गाए जाते हैं, उन सभी की एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपके दोनों मंडलों से संबंधित गीत होंगे, लोकगीत होंगे। तो इस तरह से आज हमने जितना भी पढ़ा है इसको घर पर रिवाइज कीजिए। चैप्टर को शुरू से आज तक जितना पढ़ा है पूरा चैप्टर एक बार घर पर रिवाइज कीजिए। बाकी का शेष भाग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।